दर्शकों नमस्कार चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें जैसे कि मास्क पहनना नियमित रूप से हाथ धोना उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार सेल आर एस पी में सीखने माहौल को आकर्षक बनाने के लिए सौंदर्यात्मक और उन्नत सुविधाओं के साथ सुशोभित मानव संसाधन विकास केंद्र का न्याय और सेल राउर केला स्पात संयंत्र द्वारा सेक्टर चौदह के शांति नगर बस्ती में सामुदायिक शौचालय की स्थापना अब समाचार विस्तार से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के, इस के मानव संसाधन विकास केंद्र एच परिसर में नए सिरे से जोड़े गए सौंदर्यात्मक और उन्नत सुविधाओं ने केंद्र को एक नया मन भावन और आधुनिक रूप प्रदान किया है विशेषतः एचआरडीसी को आर में सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है जो सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को सीखने कौशल और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करता है 21 जुलाई 2021 को एचआरडीसी में आर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज द्वारा कर्मचारी संघों अधिकारी संघ के प्रतिनिधि और संयंत्र के कर्मचारी उपस्थित थे दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत से बाहरी और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है कर्मचारियों को गहरे गोते लगाने और आत्म खोज हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विचारों का एकत्रीकरण कर यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित स्थल सद्भाव विकसित किया गया है कोई भी कर्मचारी एच आर डी सी केंद्र के माध्यम से एक स्लॉट बुक कर सकता है और शांत वातावरण में समय बिता सकता है ताकि घबराहट को शांत कर सके और आत्मनिरीक्षण के साथ साथ पुनरावलोकन कर पाए केंद्र सुबह दस बजे से दोपहर तक और फिर दोपहर तीन बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा वर्तमान में कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक बार में केवल चौदह लोगों को ही सुविधा का उपयोग करने की अनुमति होगी श्री दीपक चटराज ने इस सुविधा को विकसित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की जिससे कर्मचारियों को स्वस्थ दिमाग रखने में मदद मिलेगी सीईओ ने आधुनिक मॉडल कक्ष का भी दौरा किया जिसे हाल ही में एक नए टेबल पर रखा आर लेआउट दीवार से लगे उत्पाद डिस्प्ले एक ग्लोबोर्ड बियॉन्ड स्टील मेकिंग के साथ प्लांट के कामकाज के मानवीय पहलू को प्रदर्शित करने वाले एक सुरक्षा प्रतीक्षालय हेरिटेज यानी धरोहर फोटो गैलरी और स्टील सिटी के लेआउट का एक भित्ती चित्र के साथ उन्नत किया गया है श्री चटराज ने इस कार्य से सभी कर्मचारियों से भी मुलाकात की और उनकी प्रशंसा की बाद में उन्होंने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मानव संसाधन विकास केंद्र परिसर में नव विकसित हर्बल गार्डन धनवंतरी में पौधे लगाए उल्लेखनीय है कि श्री दीपक चटराज के मार्गदर्शन में मानव संसाधन विकास केंद्र के पूरे परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है इमारत को टाइल वाले द्वार मार्ग और चौड़े चालक मार्ग सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक स्मारक द ज्ञानोदय एक विशाल हरा भरा फ्रंटेज द मीडोज और सौंदर्यात्मक प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित लॉन और गलियारे के साथ पुनर्निर्मित किया गया है इसके अलावा क्लासरूम और सम्मेलन कक्ष को डिजीज सक्षम बनाया गया है महामारी के दौरान संचार समस्याओं को दूर करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा कन्वर्जिस की स्थापना की गई है और वीआईपी प्रतीक्षाालय को नया रूप देकर इसका नामकरण द रिट्रीट किया गया है सेल라우र के लिए इस पास संयंत्र द्वारा नगर बस्ती सेक्टर चौदह में निर्मित सामुदायिक शौचालय को 22 जुलाई 2021 को आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज द्वारा समर्पित किया गया सीओए कार्यपालक निदेशक वर्क श्री पंकज कुमार कार्यपालक निदेशक खान श्री एके कुंडू कार्यपालक निदेशक संचालन श्री एस आर सूर्यवंशी कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए के प्रधान कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के शतपति मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी आर महापात्र मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सी एस आर श्री ए के नायक मुख्य महाप्रबंधक वित्तीय लेखा श्री प्रवीण निगम अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संयंत्र के कर्मचारियों की उपस्थिति में सामुदायिक शौचालय भवन की चाबियां सामुदायिक प्रतिनिधियों को प्रदान की इस अवसर पर शांति नगर बस्ती के समिति सदस्य और निवासी भी उपस्थित थे शौचालय में आधुनिक सुविधाओं से लैस चार बाथरूम और नौ शौचालय हैं। बाथरूम शॉवर और तौलिया रेल से सुसज्जित हैं इसके अलावा ग्लास शेल्फ और दर्पणों सहित वॉश बेसिन भी लगाए गए हैं भवन के प्रवेश मार्ग पर लोहे की ग्रिल के दरवाजे लगाकर भवन की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है उचित जल निकासी के लिए सॉकपिट के साथ एक सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है प्रकाश की सुविधा के लिए एलईडी लाइटें और जनता की सामान्य सुविधा के लिए एक पंखा भी लगाया गया है ओवरहेड टैंक में पानी उठाने के लिए सब मर्सिबल से जुड़े बोरवेल के माध्यम से 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है आर में और उसके आसपास की बस्तियों की विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए ई फंड के तहत निर्मित और आर के टाउन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा स्थापित सुविधा भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में आर का एक और प्रयास झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में और उसके आसपास ई फंड के उपयोग के तहत शुरू की जा रही अन्य परियोजनाओं में सड़क और नालियाँ उपलब्ध कराना पेयजल आपूर्ति प्रदान करना सौर ऊर्जा रोशनी प्रदान करना सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत आदि शामिल है और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं नमस्कार